प्यार के नशे में झूम रहे हैं कुंभ राशि के लोग, अब इन्हें मिलेगा अपना सच्चा प्रेमी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिति की वजह से बहुत से शुभ और अशुभ योग का निर्माण होता है, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसी व्यक्ति की राशि में इन योगों की स्थिति होती है, उसी के अनुसार जीवन में फल मिलते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। अब कुंभ राशि के लोग प्यार के नशे में हैं। अब का समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही खास भी रहेगा, साथ ही प्यार के मामले में आपको सफलता भी मिलेगी। प्रेम जीवन जीने वाले लोगों का समय बहुत ही शुभ रहेगा। आपका प्रेम विवाह होने की संभावना बन रही है। आप अपनी विरोधियों को परास्त करेंगे, प्रेम पूर्वक संतान से व्यवहार करेंगे। किसी पुराने निवेश का आपको भारी मुनाफा मिल सकता है। कामकाज की बाधाएं दूर होगी। आपको अपने कामकाज में बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे, जिससे आपका मन हर्षित होगा। शादीशुदा जीवन की परेशानियां कम होगी। प्रेम जीवन में सुखद एहसास होगा। आपको अपने किसी नए काम में सफलता मिल सकती है, जिससे आपका मन हर्षित होगा। नौकरी पेशा वाले लोगों का मनचाही जगह ट्रांसफर होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमारे चैनल पर आपको हर रोज देखने को मिलेंगे, तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जी लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कौन से बातें रहेंगे आपके लिए फायदेमंद। आप किसी ऐसे स्थान की यात्रा कर सकते हैं जहां इससे पहले आप नहीं गए हो। पिछले कुछ समय में जीवन साथी के साथ यदि कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उस तनाव को खत्म करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप ध्यान दें तो आपको तनाव की कोई खास वजह नहीं दिखाई देगी। आपको अपने भविष्य और व्यापार को लेकर कोई चिंता सता सकती है। अचानक घटने वाली घटना से आपको सावधान रहना होगा। यह और बात है कि इन चीजों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। होने वाले बदलाव का बिल्कुल भी विरोध ना करें, बल्कि अपने आप को उससे अनुरूप ढालने का प्रयास करें। बनाई गई योजनाओं में पुरानी गलतियों को दोहराने का प्रयास ना करें। आप दूसरों की जरूरतों और परेशानियों में उलझकर रह सकते हैं। पैसों को लेकर किसी उलझन का आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी काम को लेकर या स्वास्थ्य से जुड़े किसी मसले पर आप दुविधा की स्थिति में हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना होगा उसके बारे में। जो बीत गया है उसमें बदलाव करना अब संभव नहीं है। दिन भर आप तरह तरह के विचारों में उलझे रहेंगे। आप अनेक योजनाएं बनाएंगे। कार्यक्षेत्र और ऑफिस से संबंधित कोई नई योजना आप बना सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा ना कर पाने के कारण आपका मन कुछ दुखी रह सकता है। आलस्य के कारण भी आप परेशान रह सकते हैं। कई तरह की जिम्मेदारियां आप पर होगी। कई लोग आप पर निर्भर रहेंगे। आप इतने अधिक व्यस्त रहेंगे कि अपने लिए समय निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। दोस्तों, धनराशि फल के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आपने अभी तक शादी नहीं की है? अगर शादी नहीं की है या फिर शादी की कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे शादी की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी, साथ ही लव मैरिज की अंक ज्योति से सटीक भविष्यवाणी भी आप हमसे पा सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह सेवा सशुल्क है। इसके लिए मामूली फीस यानी कि गुरु दक्षिणा लिया जाता है। यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फालतू के मैसेज ना करें, टोना टोटका हो या फिर जुआ सट्टेबाजी, इसकी जानकारी नहीं देते। इसके लिए हमें कॉल या फिर मैसेज ना करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि की धन राशि फल के बारे में। कुछ सुनहरे अवसर आपके दरवाजे पर हैं, जिनसे आप प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और अपनी नजरिए को विस्तृत करें। अपने कार्यों का मूल्यांकन करना ना भूलें। अपनी बनाई गई योजनाओं और नीतियों पर अड़े रहें और कोई भी नया निर्णय ना लें। व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं तो सोच समझ कर निवेश करें। धन को कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में पहले से ही विचार कर लें। दिन हमेशा एक समान नहीं रहते, इसलिए बुरे दिनों के लिए भी धन बचाएं। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो
अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय उसकी संभावना बन रही है। उस आदर्श पद की खोज करें और अपना आवेदन उसके लिए भेज दें। आपको इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरी में आने के लिए भी दिन अच्छे हैं। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसे पाने के लिए अपने इरादे मजबूत रखें व लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो आपके भाई बहन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, किंतु आपका मूड सामाजिक सर्कल से कट ऑफ का है। अपने मूड को बदले और इसके लिए अपने प्रियतम के साथ अच्छे पल बिताने से और अच्छा क्या होगा। साथ में घूमना, कॉफी पीना और गाने सुनना आपको बेहतर महसूस कराएगा। आपके साथी के काम में व्यस्त होने के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। आप यदि फिलहाल सिंगल हैं और किसी के जीवन में खास जगह बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आपका ख्याल रखे, तो आपको प्यार की कला सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। संभावना है कि दर्द को लेकर आप परेशानी में आ सकते हैं। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं सेहत के लिए काफी गुणकारी होती है बिछिया। इन्हें पहनने से महिलाओं को नहीं होते एक घातक रोग। दोस्तों, बिछिया को विवाहित महिलाओं का श्रृंगार माना जाता है और शादी के बाद महिलाएं अक्सर पैरों में बिछिया पहनती है। महिलाएं पैरों के बीच की तीन उंगलियों में बिछिया पहनती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें पहनने से सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। दरअसल विज्ञान में बिछियों को काफी गुणकारी माना गया है और इन्हें पहनने से कई लाभ महिलाओं के शरीर को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं उन लाभों के बारे में। माना जाता है कि जो महिलाएं इन्हें पहनती हैं, उनका हार्मोनल सिस्टम सही रहता है। हार्मोनल सिस्टम सही रहने से कई रोगों से रक्षा होती है। साथ में ही मासिक धर्म भी समय पर आते हैं। दरअसल हार्मोनल सिस्टम में जब गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर मासिक धर्म व वज्रपन पड़ जाता है। हार्मोन का संतुलन बिगड़ने से थायराइड बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर वजन पर पड़ता है और वजन में वृद्धि होने लग जाती है। बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पर कार्य करती है। यह शरीर के निचले अंगों के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सबल रहती है। ये एक खास नस पर प्रेशर बनाती है जो कि गर्भाशय में जुड़ी होती है और समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। ऐसा होने से गर्भधारण क्षमता सही बनी रहती है। बिछिया चांदी धातु की होती है, ऐसे में इसे धारण करने से शरीर ठंडा रहता है। जो महिलाएं इन्हें नियमित रूप से पहनती हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। बिछिया चांदी धातु की बनी होती है और कई आकार में होती है, लेकिन मछली के आकार की बिछिया सबसे असरदार मानी गई है। इसलिए हो सके तो इसी आकार की बिछिया पहने। पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने। कई महिलाएं सोने की बिछिया पहनती हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक साबित होती है। दरअसल सोने की धातु गर्म मानी जाती है और इसे पैरों में धारण करने से शारीरिक गर्मी का संतुलन खराब हो जाता है। ऐसा होने से रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।